नमस्कार, आपका स्वागत है स्पीकर इन्फो में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा T20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है, तो इस मैच में आपका स्वागत है और देखते हैं मैच की हाइलाइट्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैच की हाइलाइट्स शुरू करते हैं, और हाइलाइट्स देखने से पहले देखते हैं मैच का जहाँ पर होने जा रहा है उस ग्राउंड को, वो ग्राउंड कितना खूबसूरत है। देखिए, ग्राउंड बहुत ही शानदार ग्राउंड है और ऊपर से देखने पर व्यू भी बहुत अच्छा है। वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीत लिया है। जी हाँ, हमें खबर मिली है वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और यह है वेस्टइंडीज़ की प्लेइंग 11 और यह है भारत की प्लेइंग 11। तो जी हाँ, दोनों टीमें अपने देश का राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उसके बाद में शुरू होते हुए मैच। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान में, और भारत के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल भी है क्रीज पर, और वेस्टइंडीज के धाकड़ गेंदबाज कर रहे हैं शुरुआत। और रोहित शर्मा फिलहाल स्ट्राइक पर, रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत ख़राब है अभी तक तो, और अब देखते हैं जरूरत के टाइम पर कैसा रहता है फॉर्म। तो पहली गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, और ये क्या 30 गज के दायरे के खिलाड़ी को भेद पाई, नहीं भेद पाई, और यहाँ पर रोहित शर्मा का विकेट गिरता हुआ पहली गेंद पर, ख़राब फॉर्म। अगली गेंद केएल राहुल स्ट्राइक पर, उसी दिशा में खेलने का प्रयास, 30 गज के घेरे के बाहर ही नहीं मार पा रहे हैं खिलाड़ी, छक्के क्या मारेंगे, और यहाँ पर आउट होते हुए। अब विराट कोहली आए स्ट्राइक पर, यह होती है क्लास, यह होती है टाइमिंग, ऊपर से खेल दिया उठा के ऑफ साइड में 4 रन। अगली गेंद, ओ मिस टाइम किया, अपर कट करना चाहते थे, और ये छोटी गेंद और उठा के खेल दिया है शानदार कट 6 रन के लिए, बहुत ही लंबा अविश्वसनीय लंबा छक्का। यह दिखाती है इस खिलाड़ी की क्लास क्या है, विराट कोहली, क्यों कहा जाता है इन्हें विराट कोहली। तो देख लीजिए विराट कोहली की क्लास, क्या शानदार गेंद, छोटी गेंद थी पर इसको भली भांति भापा और 6 रन के लिए जड़ दिया 102 मीटर का लंबा छक्का। बढ़िया बल्लेबाजी विराट कोहली के द्वारा। क्या मैच जिता पाएंगे विराट कोहली, क्या सीरीज में 2-0 की बढ़त दिला पाएंगे विराट कोहली, देखते हैं। ओ कट करना चाहते थे चूके, और ये उठा के आगे बढ़ के मारना चाहते थे श्रेयस अय्यर, नाकाम रहे, नॉट आउट। और उठा के खेला, क्या विकेट हो जाएगा, जी हाँ कैच आउट, यहाँ पर श्रेयस अय्यर आउट होते हुए। ऋषभ पंत आते हुए पर फिलहाल स्ट्राइक पर विराट कोहली, और विराट कोहली का यह शानदार गगनचुंबी लंबा छक्का सीधे बल्ले से खेल दिया है कवर्स की दिशा में, 2 रन मिल जाएंगे। जी हाँ, विराट कोहली तेजी से दौड़ते हैं 2 रन पूरे किए। भारत ने बनाए हैं 18 रन और 19 रन चाहिए जीतने के लिए वेस्ट इंडीज को। क्या वेस्ट इंडीज जीत पाएगी, देखते हैं। वेस्ट इंडीज के पास हिटर्स मौजूद है, और ये हिटर्स मेरे को लगता नहीं है मैच जीतने देंगे भारत को, पर फिर भी देखते हैं। दीपक चहर पहली गेंद कट करना चाहते हैं, शानदार कैच लपका यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया कैच, गेंद से भी बेहतरीन कैच था यहाँ पर, युजवेंद्र चहल ने कैच पकड़ा, शानदार कैच। एक बार कैच का रिप्ले देख लेते हैं, एक हाथ से पकड़ा हुआ कैच, डाइव लगा के ऑफ साइड में खेलना चाहते थे खिलाड़ी पर कैच आउट हुए। और ये अगली गेंद शॉर्ट गेंद डालने का प्रयास, बाहुबली की तरह आम से इनकी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों की चौका जड़ दिया है पुल करते हुए। फिर से अगली गेंद पुल किया है, खिलाड़ी दौड़ते रह जाएंगे, 4 रन मिलेंगे। ओ बढ़िया बाउंसर पर एक या वाइड होगी, जी हाँ वाइड, काफ़ी ऊपर गेंद थी, और फर्स्ट बाउंस का इशारा भी करते हुए एम्पायर आगे की गेंद डालने का प्रयास, और शानदार करारा शॉट 4 रन के लिए ऑफ साइड में। भूवी कर रहे हैं गेंदबाजी की शुरुआत, और ये क्या एज लगा है, सारे खिलाड़ी उत्साहित, एम्पायर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है, नॉट आउट दिया है एम्पायर ने, पर रिव्यू ले लिया है कप्तान विराट कोहली ने, जी हाँ खराब रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू गवा देगा भारत, स्निगोमीटर में कोई शरारत नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अभी भी वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 1 रन चाहिए, और ये क्या आगे की गेंद थी, और 1 रन बना दिया है। इस तरह से भारत हार गया है दूसरे मैच में, 9 विकेट से जीत गया है वेस्ट इंडीज। अब फैसला होगा मुंबई में, तो वो उसकी हाइलाइट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहो, धन्यवाद।